आज अपन बात करेंगे हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ मैंने मॉड्यूल नंबर टू आज स्टार्ट करने वाला हूँ इसके पहले हमने मॉड्यूल नंबर वन पूरा कंप्लीट कर लिया उसमें मैंने आपको बताया था जैसे मैंने अलग अलग टाइप के डिजाइन फिलासफीज के बारे में बात किया था जैसे कि आपके पास सबसे पहले डब्ल्यू और फिर उसके बाद अल्टीमेट लोड मेथड फिर उसके बाद एल ये तीन के बारे में आपको मैंने डिस्कस किया था और उसके बेस पे हमने देखा था वो किस प्रिंसिपल पे किस फिलोसफी पे <coughs> ये जो मेथड थे वो डील करते हैं ठीक है तो वहां पर हमने मैंने आपको बताया था मेनली हम जो डील करेंगे वो किस पे डील करेंगे हम एल के बारे में बात करेंगे मतलब लिमिट स्टेट मेथड के बारे में बात करेंगे डब्ल्यू वगैरह पुराने थे अल्टीमेट लोड मेथड पे हम बात ही नहीं करते ठीक है मेनली हम बात करते हैं एल पे फिर एल के अकॉर्डिंगली फिर हमने वहाँ पर आर सी के बारे में चेक किया था जैसे कि सबसे पहले मैंने कॉन्क्रीट के बारे में बताया था उसके बाद मैंने री या फिर स्टील के बारे में बोल सकता हूँ उसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था कॉन्क्रीट के अंदर हमने सारे टाइप के पैरामीटर्स को चेक किया था उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसके ग्रेड के बारे में देखा था उसके अंदर जितने भी हमने देखा था कोडल <coughs> प्रोविजन जो जो होते हैं हमने वो सब के बारे में चेक किया था फिर उसके बाद स्टील के बारे में बात करूँ तो स्टील तो तो के अंदर भी हमने देखा था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वगैरह कैसे कैसे उसमें अलग अलग टाइप के ग्रेड्स वगैरह में जो स्टील होती है उस पर कैसे कैसे डील करता है वो सब भी हमने अच्छे से देख लिया था ठीक है तो वो सारी चीज़ें जो थी वो आपकी क्या था आपके बेसिक जो पैरामीटर्स होते हैं उसके बारे में हमने बात किया था मेन आज से हम जो स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल मॉडल नंबर टू एनालिसिस एंड डिजाइन बाय एल हम जो आर सी के जो सेक्शन रहेंगे उसको हम डिजाइन करने वाले रहेंगे जैसे कि अगर मैं बात करूं डिजाइन की अगर मैं बात करूं सबसे पहले यहां पर मैं इस मॉड्यूल में बात करूंगा आपसे सिंगली री बीम के बारे में बात करूंगा पूरा अभी हम बीम के बारे में बात करेंगे स्लैब्स वगैरह के बारे में हम नेक्स्ट मॉड्यूल में बात करेंगे ठीक है इस इस वाले मॉड्यूल में पूरा बीम्स के बारे में बात करेंगे तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ डिजाइन बाय एल का मतलब क्या है जैसे कि मैंने आपको बताया था एल में अलैसे मैं आपको बोला था मैंने लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स होता है और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विस एबिलिटी होती है ठीक है तो इस पूरे यूनिट में इस पूरे मॉड्यूल में मैं आपसे डिस्कस करूँगा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स जो कि किस में में जो डील करते हैं ठीक है थीके? मतलब हम सारे जो भी हम डील करेंगे सबको हम क्या करेंगे फ्लेक्चर के लिए हम क्या करेंगे उसको डिजाइन करेंगे फ्लेक्चर के लिए डिज़ाइन इस मॉड्यूल में पढ़ेंगे सिमिलरली शेयर के लिए जो डिज़ाइन होगा वो हम अलग मॉड्यूल में पढ़ेंगे सिमिलरली टेंशन के लिए जो डिजाइन होगा वो हम अलग मॉड्यूल में पढ़ेंगे सिमिलरली कंप्रेशन के लिए जो डिज़ाइन होगा वो हम अलग मॉड्यूल में पढ़ेंगे लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कोई भी मैंने आपको बताया था आर सी कॉम्पोनेंट सबसे ज़्यादा जो प्रीडोमिनेटिंग जो आपके पास जो इफेक्ट होता है वो किसका होता है आपके पास फ्लेक्चर का होता है तो मॉडल नंबर टू जो रहेगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस मॉडल में मैं सबसे पहले बात करूंगा आपसे सिंगली इनफोर्स के डिज़ाइन की फिर बात करूंगा मैं डबली इनफोर्स बीम के डिजाइन की फिर मैं बात करूंगा फ्लैंजड सेक्शन जो होते हैं उसके बारे में डिजाइन कैसे करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे ठीक है तो डिज़ाइन करने से पहले हमें सेक्शन का एनालिसिस करना पड़ेगा एनालिसिस करने से हमें पता चलेगा कि उसका जो बेसिक जो पैरामीटर्स है जो कॉम्पोनेट्स है जो फोर्सेस है जो मोमेंट्स है वो सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे तो वो वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका एनालिसिस वाला पार्ट हो जाएगा तो इस पूरे मॉडल में एनालिसिस पढ़ेंगे सबसे पहले उसके बाद हम उस एनालिसिस के आ, के बाद हम क्या करेंगे वहां पर हम सेक्शन को डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे ठीक है तो बेसिकली सबसे पहले सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा एजम्पन्स सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा <coughs> वो रहेगा हमारा अजम्पन्स इन एनालिसिस इन एनालिसिस ऑफ सिंगली रिनफोर्ड विम क्लियर है तो यहां पर हम क्या करेंगे सिंगली रिन्फोर्स बीम तो मैं बस बोल रहा हूं ये पूरा एल एस एम में जो भी आप डिजाइन करेंगे पूरा फ्लेजर के लिए जो भी आप डिजाइन करेंगे एल एस एम को यूज करके तो सबके लिए जो एजम्स यूज करेंगे वो सारे एजम्स के बारे में यहां पर बात कर लेंगे और यहाँ पर जो मैं बात करूंगा इसके आपका रिवीजन भी हो जाएगा हमने पहले वाले मॉडल में क्या क्या हमने पढ़ा था ठीक है तो जो ग्राफ्स वगैरह हम जो मैं डिस्कस करूंगा एजेंशन के अंदर वो आप पहले देख चुके हैं मैंने मॉडल नंबर वन में आपसे अच्छे से डील किया हुआ है ठीक है तो सबसे पहला एजम्शन अगर मैं लूँ <coughs> सबसे पहला एजम्शन लूँ मैं तो एजम्शन नंबर वन बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है अगर आप यूनिवर्सिटी में है पढ़ हैं ना तो यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आप मेरे को बताइए एल के आप मेरे को बताइए सबसे पहले डिजाइन फिलोसफिस क्या होती है और एल से जब आप डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर एजम्पन्स क्या क्या होते हैं थ्योरी क्वेश्चन आता है बहुत ही अच्छा वेटेज का रहेगा आपको हंड्रेड परसेंट जो मैं बताऊंगा ही अगर आप लिख के आ जाएंगे तो पूरा का पूरा आपको मार्क्स मिल जाएंगे क्लियर चलिए एजेंशन बोलता हूं सबसे पहला जो एजेंशन है वो कहता है द प्लेन सेक्शन द प्लेन सेक्शन विच इज विच इज परपेंडिकुलर टू बीम एक्सिस

स्ट्रेन डेट इज द स्ट्रेन डायग्राम वैरीज लीनियरली स्ट्रेन डायग्राम कैसा होगा लीनियरली वो क्या करेगा वैरी करेगा क्लियर अब यह पॉइंट देखे आपको समझ में तो आएगा नहीं कि सर इसका मतलब क्या है प्लेन बिफोर बैंडिंग आफ्टर बैंडिंग क्या बोल रहे हैं तो इसको अपन थोड़ा सा डिटेल में इसको देख लेते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं ठीक है तो यहां पर मैं क्या ले रहा हूं मैं यहां पर क्या ले रहा हूं मैं आरसीसी का एक सेक्शन ले रहा हूं ठीक है कॉन्क्रीट का मैं क्या ले रहा हूं एक सेक्शन यहां पर लिया मैंने ठीक है और यहां पर क्या लगती है यहां पर उसकी लगेगी ये क्या आपके पास एक बीम है यहां पर क्या लग है उसका? लगा उसका रीनफोर्समेंट लगा हुआ है चलिए मैंने यहां पर लोडिंग अप्लाई किया ये क्या लग रहा है यहां पर यूडीएल उसमें क्या लग रहा है लोड लग रहा है ये उस पर किसी सपोर्ट पे रेस्ट कर रहा है क्लियर है चलिए अब यहां पर मैं बोल रहा हूं कि यहां पर क्या लगा है इसमें बेंडिंग आ रहा है फ्लेक्जर आ रहा है तो अगर इसमें फ्लेक्जर आ गया कॉन्क्रीट के सेक्शन में तो आपको पता है आरसीसी में जब बेंडिंग आएगा तो एक ऐसा होगा ये यह सैगिंग यहां पर हो रही है सपोज आपके पास क्या हो रही है यहां पर सैगिंग हो जा रही है ठीक है अब मैं क्या लिया यहां पर सबसे पहले बोला द प्लेन सेक्शन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द बीम एक्सिस मान लीजिए हॉरिजॉन्टल के आपके पास बीम एक्सिस है मैं इसके परपेंडिकुलर में मैंने क्या लिया एक मैंने एक प्लेन सेक्शन लिया ठीक है मैंने यहां पर क्या लिया एक प्लेन सेक्शन लिया अब यहां पर बात किया मैंने क्या हो रहा है यहां पर बेंडिंग का इफेक्ट आ रहा है तो ये जो बीम जो हुआ वो क्या हो गया आपके पास थोड़ा सैग कर गया थोड़ा सा क्या कर गया ये सैग कर गया क्लियर है अब यहां पर आप देख सकते हैं आपको पता है कि ऊपर क्या आता है यहां पर कंप्रेशन और नीचे क्या आता है आपके पास टेंशन कैसे पता चला देखिए ऊपर के जो ऊपर का जो सेक्शन है आपके पास वो क्या हो रहा है आपस में क्लोज आ रहा है ठीक है ऊपर का जो सेक्शन है वो क्या हो रहा है आपस में क्लोज आ रहा है लेकिन जो नीचे वाला जो सेक्शन है नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या हो रहा है आपस में क्या हो रहा है वो दूर जा रहा है अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या हो रहा है आपस में क्लोज आ रहे हैं बट अगर मैं नीचे वाले की बात करूंगा तो ये क्या हो रहा है ये दूर जा रहे हैं तो इसलिए अपन बोलते हैं हमेशा आर का जो सेक्शन होता है कॉन्क्रीट का जो ब्लॉक होता है वो क्या होता है आपके पास टॉप मोस्ट जो लेयर होती है उसमें क्या होता है हमेशा न्यूट्रल एक्सिस के अबव क्या आता है आपके पास कंप्रेशन आता है न्यूट्रल एक्सिस के बिलो क्या आता है आपके पास टेंशन आता है क्लियर अब यहां पर ये बोल रहा है कि आपने एक लाइन लिया एक सेक्शन लिया जो कैसा है आपके पास एक प्लेन सेक्शन है एक प्लेन सेक्शन है मतलब वो कैसा है लीनियर है तो अब आपके पास ये वाला जो जो प्लेन जो सेक्शन था पहले जो था अब क्या हो गया यहाँ पर ये वाले में ऊपर के पार्ट में अगर मैं बोलूंगा तो कंप्रेशन आ रहा है तो चलिए अगर मैं कंप्रेशन को अगर मैं राइट साइड शो कर रहा हूँ तो ये वाला पार्ट जो रहेगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा राइट right में शिफ्ट हो जाएगा सिमिलरली इधर के जो पार्ट्स होंगे वो भी थोड़ा सा राइट 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 में क्या होंगे शिफ्ट हो जाएंगे लेकिन सबसे ज्यादा जो इफेक्ट आएगा वो सबसे ऊपर वाले पॉइंट में आएगा और जो बीच का जो पॉइंट होगा जो न्यूट्रल एक्सिस जो होगी बीच का जो न्यूट्रल एक्सिस होगी उसमें आपके पास ना कंप्रेशन आएगा ना टेंशन आएगा उसमें क्या होगा आपके पास ना ही कंप्रेशन आएगा ना ही टेंशन आएगा सिमिलरली अगर मैं नीचे वाले बात करूं तो नीचे में क्या बोला मैंने टेंशन आ रहा है टेंशन को अगर मैं लेफ्ट साइड लिया तो ये क्या हो जाएगा नीचे वाला सबसे बॉटम मोस्ट जो फाइबर होगा उसमें सबसे ज़्यादा टेंशन आएगा फिर ऊपर थोड़ा जाएंगे तो कम होता जाएगा और कम होता जाएगा टेंशन और कम होता जाएगा और पास में आते आते जैसे ही वो न्यूट्रल एक्सिस में आएगा तो कितना हो जाएगा वो टेंशन इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा तो अगर मैं इसको ज्वाइन किया तो ये क्या बन रहा है आपके पास हमने अज्यूम किया है कि ये वाला जो सेक्शन बन रहा है ये भी कैसा बन रहा है आपके पास लीनियर सेक्शन ही बन रहा है मतलब पहले आपके पास क्या था प्लेन सेक्शन था और ये वाला भी क्या हो गया आपके पास आपके पास एक प्लेन सेक्शन है प्लेन सेक्शन मतलब आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है आपके पास कोई भी ऐसे करव्ड वगैरह या फिर पोर्शन में आपके पास नहीं मिल रहा है ठीक तो है है तो पहला द प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग तो आपके पास ये जो प्लेन जो था बेंडिंग आने से पहले इसके बाद जब बेंडिंग आई तो अभी भी क्या है वो प्लेन ही है ठीक है उसके अंदर वो जिग्सैग या फिर सेक्शन नहीं बना है क्लियर तो इसको अगर मैं थोड़ा अच्छे से बनाऊं तो इसको मैं ऐसा बना सकता हूं थोड़ा सा कैसे हो गया ये इस टाइप का आपके पास क्या मिल गया प्लेन सेक्शन मिल गया क्लियर और ये जो जो ग्रीन लाइन बनाई हुई क्या आपके पास ये है आपके पास एक न्यूट्रल एक्सेस ये क्या आपके पास न्यूट्रल एक्सेस टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या लगता है आपके पास यहां पर आता है कंप्रेशन तो और बॉटम में क्या आता है आपके पास बॉटम में आता है आपके पास टेंशन क्लियर है तो अगर मैं स्ट्रेस सॉरी अगर मैं आपके पास बीम का अगर मैं क्रॉस सेक्शन दिखाऊं तो ये जो बीम है आपके पास इसका मैं क्रॉस सेक्शन मतलब ये वाला पार्ट अगर मैं यहां से देखूंगा तो मुझे क्रॉस सेक्शन दिखेगा तो मैंने यहां पर क्या बनाया यहां पर मैंने बनाया इसका क्रॉस सेक्शन ये जो आरसीसी था इसका मैंने क्या बनाया क्रॉस सेक्शन बीम का तो आप देखिए यहां पर क्रॉस सेक्शन है ये क्या होगा उसका ये हो जाएगा उसका वथ्थ और ये क्या हो जाएगा उसका डेप्थ डेप्थ मतलब ओवरऑल डेप्थ की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा आपके पास कैपिटल डी अब आप यहां पर देखेंगे नीचे से कुछ ऊपर नीचे से कुछ डिस्टेंस पे आपके पास क्या लगा है री एन्फोर्समेंट लगी है वाली जो लाइन है वो क्या आपके पास स्टील बार्स है तो नीचे से थोड़े डिस्टेंस पे आपके पास मान के चलिए जैसे कि तीन आपके पास क्या है यहाँ पर रेनफोर्समेंट लगी है इसके पीछे और उसके पीछे दो और है आपके पास क्या हो गया टोटल तीन आपके पास रेनफोर्समेंट लगी है तो क्रॉस सेक्शन कैसा होगा आपके पास कुछ इस टाइप से आपके पास क्या होगा ये क्रॉस सेक्शन होगा क्लियर ये आपके पास वेट है और ये आपके पास ओवरऑल डेप्थ है ओवरऑल डेप्थ मतलब टॉप मोस्ट फाइबर से लेकर बॉटम मोस्ट फाइबर तक का जो डिस्टेंस है वो क्या आपके पास ओवरऑल डेप्थ है सिमिलरली अगर मैं बात करूं आपसे कि ये तो ओवरऑल डेप्थ हो गया इफेक्टिव डेप्थ के बारे में बात करूं इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है आपके पास जो ये जो सेंटर जो है जो reinforcement का जो सेंटर है ठीक है ये जो री का जो सेंटर है वहां से अगर आप टॉप मोस्ट फाइबर तक अगर आप लेंगे इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ क्लियर स्मॉल डी जो होगा स्मॉल डी को हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ कैपिटल डी को हम क्या बोलते हैं कैपिटल डी को हम बोलते हैं इसको बोलते हैं हम ओवरऑल डेप्थ ठीक है मैंने आपको बताया था जब मैं कवर वगैरह बता रहा था आपको जब मैं स्टील का आपको मैं बताया था कुछ उसके बेसिक डिज़ाइन के बारे में पैरामीटर्स के बारे में तब मैंने आपको कवर के बारे में डिस्कस किया था तो वहां पर भी आपको समझाया था ओवरऑल डेप्थ और इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है क्लियर तो अगर मैं यहां पर स्ट्रेन की बात करूं ठीक है स्ट्रेन की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेन कैसा दिख रहा है आपको यहां पर स्ट्रेन कैसा वैरी कर रहा है आपके पास लीनियर वैरी कर रहा है तो अगर मैं स्ट्रेन डायग्राम बनाऊंगा स्ट्रेन डायग्राम बनाऊंगा मान लीजिए आपके पास सेंटर में यहां पर कहीं पर क्या आ रहा है न्यूट्रल एक्सिस आ रहा है ठीक है आपके पास सेंटर में कहीं न्यूट्रल एक्सिस आ रहा है तो ये क्या बन जाएगा आपके पास ये आपके पास बन जाएगा स्ट्रेन डायग्राम ये क्या हो जाएगा आपके पास दिस विल बी योर स्ट्रेन डायग्राम और ये क्या का, वो, हमेशा एक ही रहेगा. वो कभी भी पैराबोलिक सर्कुलर कर्व जिगजैक ऐसा कुछ नहीं रहेगा हमेशा वो कैसा वैरी करेगा वो हमेशा वैरी करेगा लीनियरली ठीक है ऐसा हमने अज्यूम किया है डिजाइन के लिए ठीक है ऐसा हो सकता है थोड़ा बहुत वैरी करे लेकिन हमने ये क्या है हमारे पास एजम्प्शन है ताकि हम जो भी वैल्यू निकालेंगे जो भी पैरामीटर्स हम कैलकुलेट करेंगे उसमें हमें मैथमेटिकल जो पोर्शन रहेगा वो इजी पड़ेगा कैलकुलेट करने के लिए इवैल्यूएट करने के लिए तो इसी कारण हमने स्ट्रेन डायग्राम को कैसा माना है हमने लीनियर माना है ठीक है न्यूट्रल एक्सिस के अबो में क्या आता है आपके पास कंप्रेशन जोन होता है न्यूट्रल एक्सिस के बिलो में क्या होता है आपके पास टेंशन जोन होता है क्लियर तो ये क्या आपके पास ये हो गया आपके पास स्ट्रेन डायग्राम सिमिलरली अगर मैं बात करूं इससे तो ये न्यूट्रल एक्सिस है इसको यहां पर लिख सकता हूं मैं दिस इज न्यूट्रल एक्सिस जो टॉप मोस्ट फाइबर से लेकर जो न्यूट्रल एक्सिस की जो डिस्टेंस होगी उसको हम बोलते हैं एक्स यू उसको हम क्या बोलते हैं एक्स यू क्लियर तो इतना समझ में आपके पास पहला जो पॉइंट था वो समझ में आया कि पहला पॉइंट क्या बोल रहा है आपके पास जो स्ट्रेन डायग्राम है वो कैसा होगा आपके पास लीनियरली वेरी करेगा तो मैंने लीनियर मैंने शो किया स्ट्रेन डायग्राम को आप यहां पर ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं द प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पार्ट था इसको आप नोट डाउन कर लीजिए क्लियर ये समझ में आया चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पहला पॉइंट था सेकंड सेकंड पॉइंट देखूं तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट में आपको एलएसएम ने आपको आईएस 456 2000 जो कहा है अजंपशन वो बोला है कि द मैक्सिमम द मैक्सिमम स्ट्रेन द मैक्सिमम स्ट्रेन इन द इन द टॉप मोस्ट लिख सकते हैं द मैक्सिमम स्ट्रेन इन द नहीं तो कंप्रेशन लिख सकते हैं, द मैक्सिमम स्ट्रेन इन द कंप्रेशन जोन टेकन एस इज टेकन एस पॉइंट डबल जीरो थ्री फाइव इन फ्लेक्चर, ठीक है कितना लिया यहां पर मैक्सिमम स्ट्रेन जो लिया है वो कितना लिया आपका इन द कंप्रेशन जोन इजन पॉइंट डबल जीरो थ्री फाइव ये पॉइंट को अच्छे से याद रखेगा वैल्यू को कितनी है डबल जीरो करता हूं मैं कंप्रेशन जोन मतलब के बारे में बात कर रहा न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर चलिए कॉन्क्रीट का मैंने आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बताया था मैंने ठीक है ये क्या आपके पास दिस इज योर स्ट्रेन और ये क्या आपके पास दिस इज योर स्ट्रेस ठीक है तो मैंने आपको क्या बताया था मैंने आपको बताया था कि अगर मैं बात करूं यहां पर तो मैंने आपको बोला था .002, मतलब में आपको क्या मिलता है आपको मैक्सिमम आपको मिलता है कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू ठीक है तो सबसे पहले अगर मैं कर्व आपको बताया तो कर्व मैंने कुछ ऐसा बताया था आपको शुरू में ठीक है कि ऐसा मूव करते हैं पॉइंट डबल जीरो टू में आपको क्या मिलता है यहां पर मैक्सिमम आपको क्या मिलता है आपको मिलता है यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू मतलब यहाँ पर क्या मिलता है आपको एफ सी के की वैल्यू आपको मिलती है ठीक है फिर उसके बाद मैंने आपको बोला था कि जो आपके पास जो आई एस फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड जो है वो ग्राफ को थोड़ा सा आइडियलाइज कर्व बना के दिखाता है मतलब ये एक्चुअल कर्व में बात नहीं करता है वो किस पे बात करता है आइडियलाइज कर्व पे बात करता है मतलब यहाँ से यहाँ तो पैराबोलिक रहता है फिर उसके बाद क्या हो जाता है वो स्ट्रेट हो जाता है ठीक है आई एस फोर फाइव सिक्स इस ग्राफ पे डील करता है तो मैंने क्या बताया था पॉइंट डबल ज़ीरो टू पे आपके पास जो वैल्यू जो मिलती है स्ट्रेस की मैक्सिमम जो स्ट्रेस की वैल्यू मिलती है वो कितनी मिलती है मुझे मुझे मिलती है एफ के ठीक है इस बारे में हमने बात की थी मॉडल नंबर वन में उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये क्या है आपके पास मैक्सिमम आपको मिलता तो है लेकिन हम जब भी हम क्या बोलते हैं इसमें देखते हैं कंप्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में आपकी जो वैल्यू जो दी है आई एस फोर फाइव सिक्स ने वो कितना लेके रखा है वो यहां पर इस वैल्यू को लेके रखा है पॉइंट सिक्स सेवन एफ सी के ठीक है कितनी लेके रखा है वो पॉइंट सिक्स सेवन एफ सी के अब यहां पर मैंने आपको बताया था पॉइंट सिक्स सेवन एफ सी के क्यों लेके रखा है वो क्योंकि यहां पर मैंने आपको अलग अलग चीज़ के बारे में बताया था जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये वाला जो पॉइंट है ये क्या आपके पास ये वाला जो ग्राफ है दिस इज योर क्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट दिस इज योर वॉट कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इसके बारे में हमने बात की थी क्लियर अब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है आपके पास हमने देखा था कि यहां पर आपके पास जो ओरिजिनल जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो थी कॉन्क्रीट की जो आपको मिल रही थी पॉइंट डबल जीरो टू स्ट्रेन पे आपको जो मैक्सिमम जो वैल्यू मिल रही थी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को क्या किया हमने वन थर्ड हमने क्या किया उसको रिड्यूस कर दिया ठीक है रिड्यूस कर दिया मतलब कितना मिला हमें पॉइंट सिक्स सेवन एफ सी का ही लिया अब इसका मतलब मैंने क्यों बताया था आपको क्यों लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने अलग अलग फैक्टर्स का देखा था जैसे सबसे पहले मैं बात करूँ तो वहाँ पर साइज फैक्टर के बारे में बात किया था साइज फैक्टर मतलब आपने जैसे मैंने आपको बोला था कि क्यूब में मतलब वन फिफ्टी एम एम का जो क्यूब होता है वन फिफ्टी इंटू वन फिफ्टी इंटू वन फिफ्टी एम एम का क्यूब में हम क्या करते हैं हम कंक्रीट को प्लेस करते हैं फिर 28 दिन तक हम उसको क्योरिंग वगैरह करते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं कंप्रेसिव हम उसमें टेस्ट करते हैं मतलब मशीन में रखते हैं और उसमें ऊपर से हम क्या करते हैं उसमें कंप्रेसिव लोड लगा के हम उसमें टेस्ट करते हैं ठीक है और वो टेस्ट की वैल्यू हम देखते हैं कितनी होती है तो वो हम बोलते हैं वो क्या आपके पास उसका स्ट्रेंथ है लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बोला था साइज फैक्टर के बारे में बात करते हैं साइज फैक्टर मतलब हो सकता है किसी ने क्यूब की जगह वहाँ पे सिलेंडर में किया होगा सिलेंडर में मैंने आपको बताया था सिलेंडर का जो टेस्ट होता है उसमें जो वैल्यू जो मिलती है वो कम मिलती है कंपेरेटिवली विथ क्यूब सिमिलरली अलग अलग टाइप के आपके पास स्पेसिमेंट का साइज हो गया तो वहां पर क्या होगा आपको अलग अलग वैल्यू आपको मिल सकती है तो हमने साइज फैक्टर को कंसिडर करके हमने वैल्यू क्या किया था रिड्यूस कर लिया था और भी पॉइंट्स होते हैं जैसे कि मान लीजिए आपके पास अभी हम जो लोड लगा रहे हैं कॉन्क्रीट के ऊपर वो सिर्फ कैसे आपके पास सिर्फ कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं ठीक है लेकिन कॉन्क्रीट में ऐसे एक्चुअल में सिर्फ कंप्रेसिव लोड आते हैं क्या नहीं कॉन्क्रीट जब आपके पास जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो वहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेसेस भी आएंगे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस तो आएंगे ही आएंगे साथ साथ शेयर स्ट्रेस भी आएगा टॉर्शनल स्ट्रेस भी आएगा तो तो बस ये सब की जिसको, आ, ये सब सब जिसको तो हमने कंसिडर किया नहीं हमने सिर्फ किसके लिए कंसिडर किया हमने सिर्फ कंसिडर किया उसको कंप्रेसिव के के लिए Actual stresses के लिए ठीक है हमने टेस्ट किया लेकिन शेयर स्ट्रेस टॉर्शनल स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस ऐसा हो सकता है कि ये सब स्ट्रेसेस आए ना कॉन्क्रीट में ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता उसमें आएंगे ही आएंगे ठीक है तो लेकिन हमने सिर्फ यहाँ पर सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को के लिए टेस्ट किया है बाकी सबको इग्नोर कर दिया था तो वो सबको भी इवेल्युएट करके वो सबको भी कंसिडर करके हमने यहाँ पर क्या किया कम जो वैल्यू जो आई है उसको हमने वन थर्ड हमने रिड्यूस कर लिया क्लियर तो वैल्यू कितनी मिल गई हमें कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितना मिल गया हमें मिल गया पॉइंट सिक्स सेवन एफ सी के अब इसके बाद अगर मैं डिज़ाइन की बात करूं तो डिज़ाइन के लिए मैंने आपको बताया था कितना डिज़ाइन के लिए डिज़ाइन स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे या फिर स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे तो वो क्या होता है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अपॉन पार्शियल फैक्टर ऑफ सिफ्टी और हम कितने लिए थे कंक्रीट के लिए कंक्रीट के लिए हमने लिया था हमने लिए थे 1.5 तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी पॉइंट फोर के तो यहां पे हम बात करें तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ था अब अगर मैं डिजाइन स्ट्रेंथ की बात करूं तो और कम हो जाएगा और कम हो गया तो मतलब कितना हो गया ये ये वाली जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है हमारे पास दिस इज पॉइंट फोर फाइव एफ सी के या फिर आप लिख सकते हो पॉइंट फोर फोर सिक्स एफ सी के न लेस दोनों सेम है तो ये क्या हो गया आपके पास अब आपके पास जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ है वो कितनी है आपके पास पॉइंट फोर फाइव एफ सी के तो ये तो स्ट्रेसेस के बारे में हमने बात की थी अब यहां पर आपको क्या बोल रहा है एजम्पन क्या बोल रहा है मैक्सिमम स्ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है स्ट्रेसेस के बारे में तो आपको पता है कि डिजाइन स्ट्रेस में हमने कितना लिया था पॉइंट फोर फाइव एफ सी के अब यहां पे बोल रहा है कि मैक्सिमम आपके पास डिजाइन स्ट्रेस जो आप लोगे वो इतना लोगे लेकिन स्ट्रेन के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम स्ट्रेन कितना लेना है पॉइंट टू टू पे तो आपको मिल रहा है लेकिन कहां तक जाना है इसके आगे जाते जाओगे तो और भी वैल्यू आगे बढ़ते जाएगी तो मैक्सिमम स्ट्रेन जो लेना है वो कितना लेना है हमें पॉइंट ठीक है तो ये अगर इसके आगे मैं लिया तो ये वाली जो वैल्यू है कितनी पॉइंट डबल जीरो थ्री फाइव तक क्या लेना है आपको यहां पर आपको स्ट्रेन की वैल्यू लेनी है क्लियर मतलब आपके पास आपका जो ग्राफ बनेगा वो सिर्फ कहां तक बनेगा आपका ग्राफ बनेगा सिर्फ यहां तक क्लियर तो ये क्या था आपके पास ये था आपके पास कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ये वाला जो कर्व है ये क्या आपके पास डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट क्लियर अब आप बोलोगे कि सर यहीं तक क्यों ले रहे हैं इसके आगे क्यों नहीं लिए तो जैसे ही आप इसके आगे बढ़ाएंगे ना स्ट्रेन इस अगर इससे ज़्यादा आएगा तो वहां पे कंक्रीट में क्या हो जाएगा आपके पास क्रैक्स वगैरह आना स्टार्ट हो जाएगी तो वहां तक तो हम जाएंगे नहीं हम मैक्सिमम जो स्ट्रेन की जो वैल्यू लेंगे वो कितनी लेंगे पॉइंट ये भी एजेंशन है मतलब आपको एल में पहले से बता दिया गया कि आप यहाँ तक इतनी जो स्ट्रेन आएगी वहीं तक आप क्या लेना आप वहां पर एनालाइज करना कॉन्क्रीट को ठीक है आप आरसीसी को सिर्फ वहीं तक ही एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आया कि आपके पास मैक्सिमम कंप्रेशन जोन में कंप्रेशन जोन में ठीक है टेंशन जोन में नहीं कंप्रेशन जोन मतलब न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट ये न्यूट्रल एक्सिस है इसके अबव वाले पार्ट में मैक्सिमम में आपके पास जो कंक्रीट का जो स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं कंक्रीट के स्ट्रेस में मैक्सिमम आप कितना लोगे डिज़ाइन में पॉइंट फोर फाइव एफ सी के ठीक है सिमिलरली अगर मैं स्ट्रेन के बारे में बात करूं तो मैक्सिमम कितना लोगे आप वो लोगे पॉइंट डबल ज़ीरो थ्री फाइव क्लियर यहां तक समझ में आया चलिए अगर मैं यहां आप पर आपसे अगर मैं डिस्कस किया अगेन थोड़ा अच्छा सा बनाते यहां पर मैंने बात किया है ये मैंने क्या किया दिस इज योर आर सी का क्या बनाया मैंने यहां बनाया मैंने क्रॉस सेक्शन ठीक है क्रॉस सेक्शन मैंने बनाया ये पूरा आपके पास आर सी का वो है सेक्शन है पूरा कॉन्क्रीट है और ये तीन क्या है आपके पास आपके पास है ये दिस इज योर री अब आप बोलोगे सर हमेशा तीन क्यों ले रहे हो ऐसा कुछ वही नहीं है आप चाहो तो पांच भी ले सकते हो आप चाहो तो चार भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है उसमें ठीक है जितना भी आपके पास नंबर ऑफ जितना भी रेनफोर्समेंट आएगा उतना लगाएंगे आप उसमें वरी करने वाली कोई बात नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ तीन ही क्यों लेना है मैं जस्ट तीन लेके चल रहा हूँ आप चाहो तो दो भी ले सकते हो आप चाहो तो चार भी ले सकते हो छह भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है उसमें ठीक है चलिए अब यहाँ पर मैं सबसे पहले अगर मैं इसका बात करूँ एक है हमारे पास मैं बोला सेंटर में क्या आएगा आपके पास दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस ठीक है और ये कि आपके पास ये आपके पास री वाला रीजन है विद द सेंटर से जा रहा है वो री के ठीक है तो यहां पर अगर मैं दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस ठीक है अब अगर मैं यहां पर बनाऊं आपका डायग्राम अगर मैं बनाया तो आपको पता है कि स्ट्रेन डायग्राम कैसा वैरी करता है आपके पास वैरी करता है वो लीनियर ठीक है पहले वाले एक्जशन में हमने देख लिया था ये सेंटर से पास हो रहा है ना पहले वाले हमने एजेंशन में देखा था कि आपके पास जो स्ट्रेन डायग्राम होता है वो कैसा वैरी करता है वो हमेशा वैरी करता है लीनियरली ठीक है तो मैंने यहाँ पर लीनियर मैंने डायग्राम बना दिया डायग्राम आज मेरे से अच्छा नहीं बन रहा पता नहीं क्यों चलिए ये बन गया हमारे पास स्ट्रेन डायग्राम दिस इज योर स्ट्रेन

मैंने क्या बताया आपके पास मैक्सिमम स्ट्रेन जो आ रहा है मैक्सिमम जो स्ट्रेन आ रहा है वो कितना रहा है हमारे पास पॉइंट डबल जीरो सबसे टॉप मोस्ट जो पार्ट है वो कितना आ रहा है आपके पास .0035 का क्या आ रहा है आपके पास स्ट्रेन आ रहा है कंप्रेशन जोन में क्लियर इसकी अगर मैं बात करूं ये क्या है हमारे पास दिस इज वे और ये क्या आपके पास दिस इज योर इफेक्टिव डेप्थ क्लियर तो ये आपके पास स्ट्रेन डायग्राम था चलिए सेकेंड पॉइंट हो गया अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं अगर मैं क्या बात करूं यहां पर थर्ड पॉइंट की बात करूं चलिए स्ट्रेन डायग्राम के बारे में तो मैंने बात कर लिया स्ट्रेन डायग्राम के बारे में बात कर लिया मैक्सिमम जो मिल रहा है कंप्रेशन जोन में कितना मिल रहा है पॉइंट अगर मैं स्ट्रेस डायग्राम की बात करूं द स्ट्रेस डायग्राम वेर parabolically from from 0 at neutral axis to point double zero two is strain and rectangular from point double zero two स्ट्रेन टू पॉइंट डबल जीरो थ्री फाइव स्ट्रेन क्लियर है चलिए यहां पर अगर मैं बताऊं इस डायग्राम के बारे में तो आप मेरे को यहां पर देखिए कि ये वाला मैं सिर्फ डिज़ाइन वाले स्ट्रेंथ के बारे में बात करूंगा ठीक है डिज़ाइन स्ट्रेंथ के बारे में बात करूंगा तो यहां पर आप मेरे को बताइए कि आपके पास जो स्ट्रेस जो है मतलब स्ट्रेस मतलब ये जो वर्टिकल वाला जो है स्ट्रेस आप मेरे को बताइए स्ट्रेस जैसे आप स्ट्रेन पॉइंट टू पर पहुंचे जीरो से लेकर इस ट्रेन में कहाँ तक पहुंचे आप पॉइंट डबल जीरो टू तक पहुंचे तो स्ट्रेस कैसा मूव कर रहे हैं आपके पास स्ट्रेस आपके पास पैराबोलिकली मूव कर रहा है ठीक है जीरो से पॉइंट डबल जीरो टू पे इस ट्रेन जो स्ट्रेस है वो कैसा मूव कर रहा है आपके पास पैराबोलिकली मूव कर रहा है लेकिन जब पॉइंट डबल जीरो टू से पॉइंट डबल जीरो थ्री फाइव के अगर आप जाओगे तो कैसा मूव कर रहे हैं वो एज अ स्ट्रेट लाइन मूव कर रहे हैं ठीक है तो यहां से अगर मैं बात करूं आपसे स्ट्रेस डायग्राम के बारे में बात करूं ठीक है अगर मैं यहां से स्ट्रेस डायग्राम के बारे में बात करूं तो ये मैंने बनाया स्ट्रेन डायग्राम मैंने बनाया था वैसे अगर मैं स्ट्रेस डायग्राम बनाऊं ठीक है तो आप मेरे को बताइए देखिए ये कितना है आपके पास स्ट्रेन कितना है यहां पर पॉइंट डबल जीरो थ्री फाइव तो पॉइंट डबल जीरो टू कुछ यहां पर आएगा यहां पर आपके पास क्या आएगा पॉइंट डबल ज़ीरो टू की वैल्यू आपके पास कुछ आएगी अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये वाला जो पॉइंट डबल ज़ीरो टू है यहां तक ठीक है जीरो से क्या हो रहा है आपके पास जो पॉइंट डबल ज़ीरो टू वाला जो पार्ट है वहां तक आपके पास स्ट्रेस डायग्राम कैसे मूव किया आपके पास पैराबोलिकली आपके पास मूव किया ठीक है न्यूट्रल एक्सिस से जो पॉइंट डबल जीरो टू वाला जो पॉइंट है वहां तक क्या हो गया आपके पास स्ट्रेस कैसे मूव कर रहा है आपके पास पैराबोलिकली और पॉइंट डबल जीरो टू से पॉइंट डबल जीरो थ्री फाइव तक कैसा मूव कर रहा है वो एज अ स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है ठीक है तो यहां पर आप ये वाला पॉइंट समझिएगा अच्छे से कि आपके पास जो स्ट्रेस डायग्राम जो है वो कैसे मूव करता है आपके पास पॉइंट डबल जीरो टू से न्यूट्रल एक्सिस तक कैसे मूव करता है वो पैराबोलिकली और उसके बाद पॉइंट डबल जीरो टू से पॉइंट जीरो जीरो थ्री फाइव जो स्ट्रेन की जो वैल्यू थी वहां तक वो कैसा मूव करता है एज अ रेक्टेंगल मूव करता है ठीक है तो ये क्या है आपके पास ये भी हमारे पास एजम्पन है और वो आया कहाँ से कैसे समझ में आ रहा है वो ये वाले स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से समझ में आया ठीक है कि जीरो से पॉइंट डबल जीरो टू स्ट्रेन तक आपके पास स्ट्रेस कैसे मूव किया पैराबोलिक और उसके बाद कैसे गया वो स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट लाइन जैसी आप बना दोगे स्ट्रेट लाइन आप जैसी बना दोगे तो कैसे दिखेगा वो एज अ रेक्टेंगुलर सेक्शन दिखेगा आपको क्लियर है तो यहाँ पर समझ में आया तो ये क्या है आपके पास ये स्ट्रेन डायग्राम था ये क्या है दिस इज योर स्ट्रेस डायग्राम क्लियर चलिए न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या होता है आपके पास कंप्रेशन जोन होता है न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या होता है आपके पास टेंशन जोन होता है ठीक है तो यहां तक समझ में आया अच्छा अगर मैं बोलू यहां पर कि आपके पास जो टॉप मोस्ट जो फाइबर जो आया ठीक है टॉप मोस्ट जो आपके पास जो फाइबर जो है कंप्रेशन जोन में मैक्सिमम आपके पास जो स्ट्रेस होगी स्ट्रेस की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या बोलते हैं कंप्रेशन में उसकी वैल्यू कितनी होगी आपके पास उसकी वैल्यू कितनी होगी पॉइंट डबल जीरो थ्री फाइव में आपके पास जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो कितनी होगी इतनी और ये वाली वैल्यू कितनी है आपके पास पॉइंट फोर फाइव एफ सी के मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आप डिज़ाइन करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आप जो रखेंगे कॉन्क्रीट की वो कितनी रखेंगे आपके पास स्ट्रेस में दैट विल बी पॉइंट फोर फाइव एफ सी के आप इसको पॉइंट फोर फोर सिक्स भी ले सकते हो आप इसको चाहो तो पॉइंट फोर फाइव भी उसको राउंड ऑफ करके लिख सिमिलरली पॉइंट टू पॉइंट जीरो जीरो टू पर बात करूंगा तो पॉइंट जीरो जीरो टू पे कितना आएगा यहां पर आपके पास ये वाली वैल्यू भी कितनी आएगी आपके पास पॉइंट फोर फाइव एक्सी के तो आप यहां पर देख लीजिए कि जो आपके पास स्ट्रेस जो आपके पास टॉप मोस्ट जो फाइबर में है वही स्ट्रेस आपके पास यहां पर भी कितना मिलेगा आपको सेम ही मिलेगा लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे तो आपके पास वाली वैल्यू क्या होगी रिड्यूस होते, होते होते आपके पास स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस में कितना हो जाएगा आपके पास जीरो क्लियर तो ये था आपके पास स्ट्रेस स्ट्रेन ये स्ट्रेन डायग्राम था आपके पास जब आप डिजाइन करेंगे तो और ये क्या आपके पास स्ट्रेस डायग्राम है ठीक है नेक्स्ट अपन देखते हैं इसी को और थोड़ा सा फिल करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट जो है नेक्स्ट पॉइंट बोलते है आपके पास द कॉन्क्रीट इन टेंशन जोन द कॉन्क्रीट इन द टेंशन जोन इग्नोर्ड ठीक है कॉन्क्रीट इन द टेंशन जोन क्या होता है आपके पास इग्नोर्ड मतलब टेंशन जोन मतलब बिलो द न्यूट्रल एक्सिस आपको ये बताया था मैंने आपको यहां पर क्या बताया था मैंने आर में जब भी फ्लेक्चर आता है फ्लेक्चर के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो ऊपर में क्या आता है आपके पास कंप्रेशन नीचे में क्या आता है आपके पास टेंशन ठीक है और मैं आपको यह बताया था कॉन्क्रीट क्या होता कॉन्क्रीट जो होता है वो क्या हो है, होता है आपके पास कंप्रेशन बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होता है सिंस कॉन्क्रीट इज इन कंप्रेशन बट कॉन्क्रीट इज़ वीक इन टेंशन वीक टेंशन में क्या हो गया वो वीक हो गया तो यहां पर उसका जो वीकनेस जो है वो ओवरकम क्या कर लेता है कौन कर लेता है उसको स्टील तो इसीलिए स्टील को हम टेंशन जोन में लगाते हैं क्योंकि स्टील की जो प्रॉपर्टी होती, होती है वो जस्ट अपोजिट होती है स्टील क्या होता है आपके पास टेंशन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन कंप्रेशन में क्या होता है वो वीक होता है तो सिंस आप आरसीसी में देख रहे हैं कि यहाँ पर टेंशन जोन में क्या हो गया यहाँ पर कॉन्क्रीट क्या हो गया यहाँ पर वीक हो रहा है तो मैं स्टील को कहाँ पर लगाया मैं स्टील को मैंने लगाया यहाँ पर टेंशन जोन में ठीक है स्टील को मैंने क्या लगाया यहां पर टेंशन जोन में अब आप बोलोगे कि सर आपने ये वाला स्पेस क्यों दिया है जब आपको नीचे ही लगाना था तो देखिए स्टील को मुझे कवर भी तो करना पड़ेगा स्टील को मुझे कवर भी तो करना पड़ेगा ना पूरे साइड से क्योंकि अगर ये मान लीजिए अगर ये बाहर एक्सपोज होता तो उसमें क्या होता आपके है आपके पास करोजन वगैरह आते हैं स्टील पे तो इजीली क्या होता है वो बहुत जल्दी क्या होता है स्टील ख़राब हो जाता तो नीचे वाला जो कंक्रीट जो होता है जो कवर जो होता है वो बेसिकली सिर्फ एक ही पर्पज़ होता है कि आपके पास जो स्टील जो है उसको एक्सपोजर से क्या करेगा वो बचाएगा ठीक है तो बेसिकली न्यूट्रल एक्सिस के नीचे पे क्या हो रहा है आपके पास पूरा टेंशन आ रहा है तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे पे आपके पास कॉन्क्रीट का जो जो पूरा जो इफेक्ट है उसको हम क्या कर ले रहे हैं कॉन्क्रीट को हम पूरा इग्नोर ही कर ले रहे हैं क्योंकि नीचे क्या आ रहा है टेंशन आ रहा है तो टेंशन के लिए हम सिर्फ और सिर्फ किसको एनालाइज करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ स्टील के लिए एनालाइज करेंगे पूरा टेंशन हम बांध के चलते हैं कि कौन यहाँ पर उसके इफेक्ट को लेगा री क्या लेगा उसके इफेक्ट को लेगा कॉन्क्रीट नहीं लेगा क्लियर है तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ The area of concrete, the area of concrete below neutral axis, below neutral axis is ignored. Okay? Since since concrete is since concrete is weak in tension. एंटायर टेंशन इज रजिस्टर्ड बाय इज रजिस्टेड बाय स्टील री एन्फोर्समेंट स्टील री एन्फोर्समेंट क्लियर यहां पर मैंने बोला कि द ए एरिया ऑफ कॉन्क्रीट बिलो न्यूट्रल एक्सिस इग्नोर ठीक है बेसिकली इसके लिए अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर बेसिकली एक थ्योरी होती है उसको बोलते हैं हम क्रैक सेक्शन थ्योरी क्रैक सेक्शन थ्योरी में मैं आगे जाके बताऊंगा डब्लू एस एम में क्रैक सेक्शन थ्योरी का अलग से हमने पढ़ा रहता है तो वहाँ पर जब मैं डिस्कस करूंगा तो बताऊंगा वहाँ पर तो बेसिकली यह बस यही समझ लीजिए न्यूट्रल एक्सिस के नीचे पे आपके पास टोटल जो होता है जोन वो क्या होता है अगर टेंशन जोन होता है तो कॉन्क्रीट का जो इफेक्ट होता है वो उतना कुछ खास होता नहीं है मेनली जो होता है वो किसका इफेक्ट होता है वो आपके पास स्टील जो होता है उसका इफेक्ट होता है टेंशन को रेजिस्ट करने में क्लियर तो ये क्या हो गया आपके पास दिस इज योर

The maximum strain in the reinforcement, in the reinforcement, in the tension zone, in the tension zone should not be less than, should not be less than. पॉइंट डबल ज़ीरो टू प्लस पॉइंट एट सेवन एफ फाइ अपॉन ई एस ठीक है अब ये वाला इक्वेशन क्वेश्चन आप, आप ये वाला जो आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो आप पहले कहीं पे देखे होंगे ये मैंने आपको समझा दिया था कैसे आपको बताया था कि जब अपन एच वाई एस डी बार्स के बारे में अपन जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पर मैंने आपको बोला था कि जब हम वहाँ पर जो स्ट्रेन जो निकालते हैं स्ट्रेन हम कैसे निकालते थे उसके पास आपके पास ये वाली वैल्यू आती थी पॉइंट डबल जीरो टू प्लस पॉइंट एट सेवन एफ आई अपॉन ई एस ये वाली वैल्यूज भी आपको अच्छे से मैंने बताया पूरे डायग्राम के साथ तो ये बोल रहा है आपके पास एजम्पन क्या है कि द मैक्सिमम स्ट्रेन इन द टेंशन जोन ठीक है टेंशन जोन में जो आपके पास जो मैक्सिमम जो स्ट्रेन आएगा वो शुड नॉट बी लेस देन ये वाली जो वैल्यू जो है पॉइंट डबल जीरो टू प्लस पॉइंट एट सेवन एफ आई अपॉन ई एस शुड नॉट बी लेस देन बोल रहा है तो मतलब स्ट्रेन क्या हो जाएगा आपके पास मिनिमम मतलब मिनिमम आपके पास जो टेंशन जोन पे जो स्ट्रेन होगा वो इससे ज्यादा ही होना चाहिए इससे कम नहीं होना चाहिए ठीक है स्ट्रेन की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेन की बात कर रहा हूं मैं यहां पर टेंशन जोन में मैक्सिमम मैक्सिमम मतलब ये वाला सबसे लोअर मोस्ट जो आपके पास जो फाइबर है इसी में मैक्सिमम दिख रहा है तो यहां पर आपके पास जो स्ट्रेन होगा इट शुड नॉट बी लेस देन कितना पॉइंट डबल जीरो टू प्लस पॉइंट एट सेवन एफ फाइ अपॉन ई एस इसको मैंने अच्छे से डील कर लिया था कैसे बताया था आपको आपको वहां पर मैंने बताया था कि आपके पास स्टील का अगर स्ट्रेस-स्ट्रेन कर्व के बारे में बात कर रहे हैं तो ये क्या था आपके पास एच वाई एस डी बार था मैंने आपको बोला था कि पॉइंट डबल ज़ीरो टू पे पॉइंट डबल जीरो टू स्ट्रेन पे आप क्या कर लेना जो इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस जो होगा उसी पैरेलल क्या कर लेना आप वहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को क्या कर लेना आप कट कर लेना और वहाँ से आप क्या कर लेना एक नीचे पे परपेंडिकुलर गिरा देना ठीक है तो ये वाला जो होगा यहां से यहां तक ये यह वाला पॉइंट कितना है आपके पास पॉइंट डबल जीरो टू और ये वाली जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास स्ट्रेन है ये ये वाली वैल्यू क्या है स्ट्रेन है स्ट्रेन क्या होगा आपके पास स्ट्रेस अपॉन मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी तो ये कितना हो जाएगा स्ट्रेस कितना होता है आपके पास पॉइंट एट सेवन एफ वाई अपॉन ई एस अब आप बोलोगे सर पॉइंट एट सेवन क्यों आया तो एफ वाई अपॉन क्या लेते हैं अपन वन पॉइंट वन फाइव जो कि नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आपके पास लास्ट पॉइंट आप लिखिए द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कॉन्क्रीट इज कितना लेते हैं हम कॉन्क्रीट के लिए बहुत बार बता दिया हूं मैं द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कॉन्क्रीट के लिए कितना लेते हैं हम वन पॉइंट फाइव सिमिलरली अगर अपन स्टील के बारे में बात करेंगे रिइंफोर्समेंट के लिए कितना लेते हैं हम वन पॉइंट वन फाइव ठीक है रीजन बताया था कॉन्क्रीट के लिए ज़्यादा क्यों लेते हैं क्योंकि कॉन्क्रीट हम साइड पे ही प्रिपेयर कर लेते हैं ठीक है तो वहां पर क्या होता है आपके पास जो चांसेस होते हैं वहां पर जो एरर वगैरह आने के वो क्या होते हैं आपके पास कम होते हैं लेकिन स्टील क्या होता है आपके पास स्टील होता है आपके पास फैक्ट्री में क्या बनता है फैक्ट्री पे ये मैन्युफैक्चर होता है तो सिंस वहां पे मशीन हो रही है जो उसको मैन्युफैक्चर कर रही है तो वहां पर क्या होगा आपके पास जो चांस होंगे वहां पर आ, क्या बोलते हैं मिस्टेक्स वगैरह होने के स्ट्रेसेस वगैरह जो आपके पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेने की वहां पर जो नीड होगी वो क्या होगी आपके पास कम होगा क्योंकि एरर वगैरह क्या होगा वहां पर कम मिलेंगे तो इसी कारण स्टील में हम क्या लेते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम लेते हैं कॉन्क्रीट पे हम ज्यादा रखते हैं समझ में आया आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट था आपके पास ये वाला डायग्राम ठीक है एनालिसिस जो मैंने आपको बताया इसका भी हम एनालिसिस करेंगे एनालिसिस करेंगे मतलब वहां पर मैं आपको बताऊंगा जो फोर्सेस मूवमेंट्स वगैरह जो आ रहे हैं लीवर आर्म वगैरह के बारे में बात करेंगे वो कितने कितनी होगी टेंशन फोर्स कंप्रेशन फोर्स वगैरह के बारे में बात करेंगे वो कितना कितना आएगा उसके बारे में हम देखेंगे अभी समझ में आया अभी आपको एल में आपको एजम्पन जो दिया है कंप्रेशन में टॉप मोस्ट पे कितना दिया है पॉइंट और इसी के रिस्पेक्ट में आपके पास स्ट्रेस कितना है आपके पास पॉइंट फोर के सिमिलरली पॉइंट डबल जीरो टू पर भी आपके पास जो स्ट्रेस आएगा वो कितना आएगा इतना ही आएगा पॉइंट फोर फाइव एफ सी के लेकिन स्ट्रेस क्या कर रहा है यहाँ पर पैराबोलिक मूव कर रहे और स्ट्रेन कैसा मूव कर रहा है आपके पास यहाँ पर पूरा लीनियर मूव कर रहे हैं समझ में आया तो ये क्या था आपके पास एजेंपशन था यहाँ तक आपके पास पूरे एजें्पन्स थे इसके बाद मैं आपसे स्टार्ट करूँगा एनालिसिस का पार्ट आपसे डिस्कस करूंगा उसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि टोटल आपके पास फोर्सेस के बारे में बात करूंगा कि कंप्रेसिव फोर्स कितनी आती है टोटल हम बात करेंगे वहां पर टेंसाइल फोर्स कितनी आ रही है हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो मोमेंट जो बिल्ड होगा जो आएगा उसके अंदर आर के अंदर वो कितना आएगा सारी चीज़ों के बारे में हम वहां पर बात करते हैं तो स्टार्ट करते हैं अपन एनालिसिस Thank you